असली मजा आप इसके अंदर देखने वाले हो। वाह देखो अपने आप आ गया तो थोड़ा सा ऊपर। सो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइज। भाई आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो हमारे स्पेशल गेस्ट लोग यहाँ पे, भाई बताओ आज हम कहाँ पे आए हैं? आप ऐसी जगह हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल जगह है जिसे आप कुदरती कह सकते हो। कुदरती कह सकते हो, वाह क्या मतलब। ये सेम एक मिनट, ये सेम डायलॉग मैंने भी इनको चिपकाया था इसलिए ऐसा लटका हुआ बोले यहाँ पे। ओके सो हम लोग एक लोकेशन पे आए जो आपको आप आगे बताएंगे। तो ये जो रास्ता है मतलब मुंबई साइड जाने का, और ये जो रास्ता है अहमदाबाद जाने का, तो ये मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस है। मतलब मुंबई से 60 किलोमीटर आगे आओगे तो एक आपको बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे कुंड लिखा रहेगा, कुंड जो इसके अंदर है। आगे चलो आपको आगे बताते हैं। तो चलो भाई लेके चले इनको। तो हमारी एक है BMW और एक है मर्सिडीज, सो हम दोनों इस पे अभी ट्रैवल करने वाले। किधर गया वो किधर है वो पीछे मतलब चलो भाई चलो चलो साथी वाले। तो ये बोर्ड है जब आप यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ पे नाम पढ़ लिया आपने तो चलो भाई आगे। आप सही आगे हम लोग ये जो सामने देख रहे हैं मतलब जैसे हाईवे से आएंगे अंदर आधा किलोमीटर अंदर आप ये अंदर आ सकते हैं और अंदर ही पार्किंग वार्किंग सब पार्किंग यहाँ पे। पहले पार्किंग तो लगाओ, पहले पार्किंग तो लगाओ। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई हम लोग यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? कुंड। नाम पढ़ा नहीं, नाम पढ़ा नहीं, कुंड बोला ना। तो जैसे यहाँ पे पीछे है तो यहाँ पे एक मतलब हर सीजन में गर्म पानी आता है। हर सीजन में मतलब बारिश में आओ ठंडी में आओ एकदम गर्म पानी का स्रोत है जो अंदर आपको दिखाएंगे। थैंक यू। तो जो शॉट देखा तीन वड़े पाव खा के, मतलब तीन नहीं दो दो वड़े पाव खा लिए। अब जैसे मतलब इसके बाजू में पीछे वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे अंदर जाएंगे हम लोग। चलो धनंजय भैया आप लीड कर रहे हो, लेके चलो अंदर। पर लेकिन यहाँ पे ये धनंजय भैया निकालो। वेरी गुड। पर यहाँ पे रखना क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम यूज नहीं किया था तो मेरा चप्पल कोई और लेके चले गया था। अगर मैं यहाँ पे रखा रहता तो कोई लेके नहीं जाता। तो जैसे मंदिर के अंदर घुसेंगे मंदिर दिखेगा, मंदिर के मतलब मंदिर ये रहा सामने, पीछे यहाँ पे मंदिर। और जैसे ये साइड में देखेंगे तो आपको कुंड दिखेगा, छोटा सा कुंड जो सबसे मेन है। यहाँ पे सबसे मेन कुंड यही है जहाँ से गर्म पानी आता है पूरा साल। सबसे मेन कुंड देखिए वहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, वहाँ पे बुलबुला जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। अब ये गर्म पानी आपको बताऊँ कैसे ये टाइम पे। सो कहीं कुछ ना कुछ तो दिखा रहेगा जहाँ पे आप पढ़ लेंगे। ये फर्स्ट कुंड है जस्ट मंदिर से पहले आता है यहाँ पे। इस पानी में नहाने के बेनिफिट जो यहाँ पे लिखे गए हैं बहुत सारी मतलब बीमारियाँ जो डॉक्टर नहीं कुछ ने ठीक हो पाते इन पानी से नहाने से ठीक हो सकते हैं तो यहाँ पे लिखा गया। तो आप वो पिछले वाले वीडियो में स्क्रीनशॉट जो लेके देख ले। और इसके बाद मतलब ये सबसे टॉप गर्म पानी तो इसमें तो बिल्कुल हाथ भी नहीं डाल सकते, लेकिन नहाने के लिए यहाँ पे लेयर बाय लेयर ये जो दिख रहा है लेयर बाय लेयर है। सो ये देख लो इसके अंदर लेयर बाय लेयर तीन कुंड है मतलब जिसमें हम नहा सकते हैं। जैसा आप देखेंगे ऊपर से देखिए ये जो दिख रहा है तीन कुंड, इसमें नहाने के लिए है, इसमें नहाने के लिए, इसमें नहाने के लिए। और यहाँ पे एक एक सबसे बड़ी घटना कि आप कभी फ्राइडे को बताना। ओके सो यहाँ पे स्पेशल फ्राइडे का अलग टाइम दिया है। ओके देखो यहाँ पे बहुत बड़ा जो हम नहा नहीं सकते, फिर भी बहुत सारे यहाँ पे लोकेशन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मेन गर्म पानी का सोता वहाँ पे जहाँ से गर्म पानी आता है और ये रहा अंदर मंदिर। ओके सो एक बार वापस से आप देख लो गर्म पानी मतलब कैसे भाई निकल रहा है वहाँ पे। वो देखिए वहाँ पे यहाँ पे से हाथ रख रहा हूँ तो मुझे पूरा गरम गरम फील हो रहा है, पूरा गरम फील हो रहा है। शाम को खुलेगा तो मैं इसको अंदर आपको दिखा नहीं सकता। आप ऐसे ही देख लो, ऐसे ही देख लो आप अंदर। तो लोग उसमें जो है आके उसमें नहाते हैं और अपनी बीमारियां दूर करते हैं ऐसा कुछ है। अब ये जो जगह है पूरा मतलब खुला जगह है, यहाँ पे कुछ स्पेस है घूमने के लिए और इसके पीछे भी अच्छा लोकेशन। तो हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर से शूज वूज पहन के वो आउटसाइड से जाएंगे। और मेन जो यहाँ का लोकेशन है ये गर्म पानी का सोता, देखो कैसे वहाँ से दिख रहे कि हम नहाने का सोच के आए थे हमें को यहाँ पे नहाने मिलेगा, बट लेकिन आज फ्राइडे की वजह से बंद है यार। चलो बाहर भाई ये देखो ये आने का रास्ता है और वहाँ पे मंदिर का रास्ता है। लेकिन यहाँ पे एक हमें मतलब मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ, लेकिन आज मुझे वहाँ पे आंटी ने जहाँ पे हम लोग वड़ा पकाए तो आंटी ने बताया कि यहाँ पे हम लोग एक नदी के पास जा रहे हैं मतलब मंदिर के बाजू में ही है। सो वहाँ पे भी गर्म पानी के कुंड है नदी के उस पार अब जहाँ हम लोग जा रहे। चलो ओके मतलब एक जगह तो बंद था शुक्रवार की वजह से, अब दूसरी जगह देखते हैं गर्म पानी का कुंड मिलता है कि नहीं। वैसे कह तो दिया अच्छा। अरे 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 मेरे को दिखा नहीं रहे, बाबा रे बाबा
को है, मतलब ये मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे जो जाल बिछाते हो वाला सिस्टम है कुछ, जो जल्दी बारिश में चालू हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे मंदिर है, देखिए सामने मंदिर आपको दिखेगा, और वहाँ से हम लोग घूम के आए, घूम के आए वहाँ से। और ये रहा यहाँ पे गर्म पानी, ये मुझे भी नहीं पता था, मतलब मैं कई दफा यहाँ पे आ चुका हूँ और ये मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे गर्म पानी कैसे होता है। तो आज मतलब फायदा हुआ अपना, फ्राइडे को फायदा हुआ। हमने मत बंद कर दे, बैटरी ऑफ हो गया, इसका बटन खराब हो गया, बंद करके रख। ओके, तो यहाँ पे सबसे मेन हो सकता है कोई मेन, जहाँ से मेन गर्म, हाँ ये मेन है, देखो इसमें हरियाली कोई हाथ नहीं लगा है, ये मेन है। देखो मेंढक भी मरे सब उसमें, देखो एक दो मेंढक मरे हुए हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी फिर यहाँ से देख इसमें जा रहा है, फिर इसमें से उसमें फिर नीचे जा रहा है, और वहाँ का ये भी नीचे जा रहा है ना, उसमें जा रहा है। नहीं ये सूखा हुआ मेन वही है, बहुत गर्म है, एक नंबर, मस्त मजा आएगा ठंडी में नहाने में। अरे ठंडी में पूरा गांव आता है भाई यहाँ पे, बहुत गर्म है, उबला हुआ पानी ब्रो। अंडा लेके आए क्या भाजी में बॉइल कर रहे हो जाएगा, अंडा लेके आएंगे हम लोग, गांव वाले हमको मारेंगे, तो ऐसे बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे अंडा विंडा लाके बॉइल करने का। ठंडी में, अरे ठंडी में रियली पूरा गांव आता है, तो ये जो है पूरा अभी आने मजा आएगा मालूम है। हाँ अभी आने मजा आएगा, क्या बोलते माटी डुबकी इसमें नहीं मजा आएगा बहुत, नहीं ये क्लीन नहीं है ना, यहाँ पे क्लीन नहीं किया है, लेकिन ठंडे में यहाँ पे लोग आते हैं। मतलब देख रहे हो जैसे ये गाड़ी है यहाँ पे, कुछ गांव के बच्चे लोग यहाँ पे, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? रोहित। तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। तो रोहित और रोहन ने दो ट्रक बनाई है छोटी छोटी, जो भाई एकदम कमाल की है, मतलब मैं आपको दिखाऊं, मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी, मतलब देखिए पीछे कंटेनर है और आगे मेन कंट्रोल और उसको बीच में धागा बांधा है, तो कैमरा में नीचे से दिखाना दोनों, स्टीयरिंग बड़ा वाला है, मैं कितने चक्के का, एक दो तीन चार पाँच छह, स्टीयरिंग कैसे काम करता है ये देखिए, मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, एक बार यहाँ से घुमा रहा हूँ तो वहाँ से स्टीयरिंग घूम रहा है, और देन इसको पुश करना है, ये गाड़ी हमारी देखिए, हमारी गाड़ी चली यहाँ पे, ओहो माय गॉड, यार कैमरे में ये देखिए, ओहो पानी के मजे लेते लेते यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हैंड मैकेनिक ट्रक्स आपको दिखेंगे, वाह नाइस, देखो भाई को देखो, इसको बोलते असली मजा। क्या कर रहे हो? घूमर है गाड़ी के साथ। अब निकलते हैं यहाँ से, मतलब कपड़ों पर लाए नहीं थे इसलिए मैं नहाए नहीं, और यहाँ से भी निकलती हूँ, बारिश का टाइम है हो भी सकता है, तो भाई इनकी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त थी, इनकी भी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त थी। अब निकलते हैं यहाँ से हम, मतलब गर्म कुंड देख के और बच्चों का खिलौना देख के मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब भाई कैसे फिर भी निकल जाता है ये, मतलब ये बोल रहे थे कि कैसे निकल, मतलब पानी कैसे आ रहा है ऊपर, पता कैसे मेरा दिमाग, तो भाई जिनको पता है कि पानी वो गर्म पानी कैसे ऊपर आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि गर्म पानी ऊपर कैसे आ रहा है। बस यहाँ से जा रहे हैं, बस यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो पार्किंग का कुछ पैसा लेंगे, हम तो स्कूटर का 10-10 रुपया लिया, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी गाड़ी आ भी रही है, काफ़ी फैमिली से यहाँ पे आ रही है, अच्छा लोकेशन है, सो हाईवे से एकदम पास में, हाँ, और एक बार तो ज़रूर आना यहाँ पे, क्योंकि उस गर्म पानी के नहाने से कुछ बीमारियाँ जो ठीक हो जाती है, तो आई होप कि आप लोग जो मैंने आपको दिखाया वो पढ़ लेना, क्या पता उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको या किसी फ्रेंड को किसी का ऑपरेशन कर रहा हो, यस उसका ठंडी में मतलब मुक्का मारे थे, एक्सीडेंट वैक्सीन रहता है, खून भी नहीं निकलता लेकिन लग जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा, तो एक बार विजिट करना। सो इस व्लॉग में मोटो व्लॉग तो नहीं था, मतलब कि हम गए थे एकदम अच्छी जगह पे, ऐसा जगह ऐसा प्लेस आपके सिटी में भी हो सकता है कि जहाँ पे कुछ अलग ही हो, कुछ मतलब ऐसा हो कि उसको बता नहीं सकते कि ये इंसानों ने बनाया, कि मतलब कुदरती कह सकते हैं, वैसा कुछ प्लेस हो तो मुझे भी बताना, जरूर कोशिश करूँगा उस जगह आने की। तो ये जो जगह था मतलब मनोर के आगे हाईवे, मतलब मुंबई से आते समय हाईवे के टाइम पे, मतलब विराट टोल नाका से कुछ 10 किलोमीटर आगे है, ओके विराट टोल नाका। ट्राई किए कि थोड़ा सा आपको अलग दिखाए, मतलब मोटो व्लॉगिंग तो करके आए, एक महीना यार, एक महीना पूरा मोटो व्लॉगिंग किए, पूरा 22 दिन, उसके बाद आने के बाद आराम ही आराम कर रहे हैं, और भी थोड़ा धीरे धीरे व्लॉग आ रहा है, धीरे धीरे एनर्जी आ रहा है वापस से काम करने का।
सो अभी टाइम हो रहा है 12:20, अभी जाके कैमरा उठाया। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, जल्दी इमरान भाई के पास जाऊँगा और आप यामा आरएक्स का अपडेट जानने वाले हैं, देखने वाले किस तरह सेल्फ स्टार्ट किया है, मतलब उसमें वो भी हम इमरान भाई से पता करेंगे और आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और किसी के पास क्रिएटिव कुछ अलग मॉडिफिकेशन है और वो मेरे एरिया से मतलब 200 या 100 किलोमीटर दूर है तो भाई आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया रहेगा, अपने बाइक्स के फ़ोटो या छोटे वीडियोस मुझे सेंड कीजिए। अगर वो सबसे यूनिक सबसे फाड़म फाड़ लगा, जैसे कि मैंने यामा का शूट किया था येलो वाला उस टाइप का, तो भाई आपके वीडियोस मेरे चैनल पे होंगे। सो हम कुछ ऐसा एपिसोड तैयार करते हैं कि सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। इसका 20 तारीख को होने वाला है, मैंने 20 तारीख का अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे बोसर के बहुत ही बड़े हेयर कटर हैं उनके पास, तो 20 तारीख, तो आप 21 या 22 तारीख को व्लॉग देखोगे कि इसका क्या होने वाला है। या हाँ जी हाँ, 20 तारीख को।